मेरे दोनों हरे मेढक, रात के 3 बज गए और हम लोग खाएंगे अभी ब्रेड सैंडविच। हाँ तो हम लोग खाएंगे रोटी का सैंडविच। लेकिन अभी ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बस ऐसी ट्रेलर है ना। हाँ और सुबह हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है लेकिन सुबह स्टार्ट करेंगे अच्छे से। पता नहीं उसका अच्छा नहीं दिख रहा, मेरा बोले तो कितना सही दिख रहा। अरे यार के लिए लाइट लाइट हो गया। अच्छा रुको यहाँ पे दिखा, स्वागत है आप सभी का। लेट्स गो। तो हम लोग रात को जैसे सैंडविच वैनिच हो गया, लेकिन हम लोगों ने सुबह मैंने सर सोने से पहले इसको एक बार बोला कि अबे आज ना नॉन वेज वगैरह कुछ का प्लान करते हैं, तो इसका भी मूड था। फिर आकाश से पूछा, आकाश से बोला तो अभी सुबह का टाइम हो रहा 8 बजने वाले हैं, अभी चल रहे हैं मटन लाने के लिए। हाँ तो 8 बज गए तो हम लोग ऐसे प्लान हुआ कि ठीक है अब उठ ही जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश मिलता है ना, तो फिर बाद में मिलेगा नहीं। और ऐसे 2-3 बार हम लोग का हुआ कि उठते हैं फिर सो जाते हैं तो मिस ही हो जाता, तो इस बार लेंगे, इस बार कैसे मिलेंगे। वैसे सैंडविच खाने के बाद अपना एक पावर नैप हो गया था, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी थोड़ी नींद आ ही रही है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कहते हैं ना, तो इसलिए मटन पाने के लिए सुबह नींद को थोड़ा खोना ही पड़ेगा, वरना फ्रेश नहीं मिलेगा। और मास्क लगा अभी नहीं, अभी घर पे ही है। घर है तुम्हारा? ये देखो, ये देखो हमारा आलीशान बंगला, दिखाओ बंगलो, ये रहा हमारा बंगलो। हम लोग जोश जोश में लेने आ गए हैं, लेकिन अभी जो शॉप है वो बंद है, लेकिन हम तो दोबारा ट्राई करेंगे और क्या, और कोई काम हम पे लेके ही जाएंगे किसी भी हाल में, अभी छोड़ेंगे तो नहीं है। और सुबह सुबह बैंगलोर कुछ इस तरह का दिखता है, 8 बजे पता था तुमको ऐसा दिखता है सुबह में। एक बार थोड़ा आगे चलते हैं, रोड पे थोड़ा सा जाते हैं, उस साइड से थोड़ा दिखाते हैं, मतलब अच्छा शॉट आता है तो वहाँ पे देखो कैसा दिखता है सुबह 8 बजे बैंगलोर। एक शॉप तो बंद था लेकिन दूसरा दिख गया, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता, तो एक शॉप दिख गया। लेकिन कटिंग वटिंग का हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत लोग वेजिटेरियन है, बहुत लोग खाते नहीं है, तो उनको नहीं मैं दिखाऊंगा। चलो ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ना एक बहुत प्रॉब्लम होती है मटन वगैरह लेने में, क्योंकि यहाँ पे शिप वगैरह मिलता है, तो हम लोग उतना आइडिया मिलता नहीं है। तो हमारे जो कुक है ना रोशन भैया, उनको भी हम लोग बुलाए हैं, तो वो पहले वेरीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस पर ट्रस्ट है ना उसी से लेना चाहिए, क्योंकि वो शिप मतलब भी दे देते हैं गोट वगैरह बोल के। अभी रोशन भैया को आने देते हैं, उसके बाद वहाँ से हम लोग नहीं लिए, क्योंकि मतलब बोल तो रहा था बट अपने को लग नहीं रहा था कि वो गोट है या कुछ भी है, तो नहीं लिया। सिप था, सिप रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, ना बिल्कुल ना। 2 मिनट बोल के कितना देर में आए जी? 20 मिनट। 2 मिनट बोले कितना देर में आए? 20 मिनट। 20 मिनट अथवा 2 सेकंड। ये हम लोग रोशन भैया हैं जो हम लोग का खाना वाना पहुंचा देते हैं, मटन मटन लाने के लिए सुबह उठ के हमारे लिए। बस आधा घंटा लेट और कोई दिक्कत नहीं, बस 2 मिनट बोल के आधा घंटा बटा और कुछ है नहीं। तो अभी रोशन भैया जाएंगे और मटन हम लोग लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है तो अच्छा आइडिया दे देते हैं। वैसे भी ये लोकल आईडी मतलब लोकल आईडी रहता है, लेकिन है प्रॉपर बिहार के ही हमारे, तो इनके साथ जाएंगे हम लोग और लेके आ जाएंगे, हम लोग लेके आते फिर रास्ते में बात करते हैं। एज यूजुअल अपने किस्मत पे भरोसा रखते हुए थोड़ी देर के बाद मटन से मुलाकात करवाएंगे। थोड़ी देर कहाँ ला, अभी रोशन भाई बोले कि अभी मतलब फ्रेश नहीं मिल रहा है, 11 बजे के बाद एक शॉप खुलता है वहाँ जाएंगे, वो लेके आ जाएंगे, बोल रहे कि मैं पहुँचा दूंगा। देखो वो बोल रहे हैं कि मतलब कोई नहीं, हम जाके ही ला देंगे, वो खुद पहुँचा देंगे घर पे बोल रहे हैं, तो ठीक है। तब तक के लिए बोल रहे हैं कि छोले भटूरे भेज रहे हम लोग के लिए, चलो एक ऑप्शन है अभी अपने हमारे पास छोले भटूरे, अभी वही खा के काम चला लेते हैं, फिर शाम को दोपहर को आएगा तो शाम तक बनाते हैं, फिर कट जाता है, सुबह उठने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, मस्त सोए रहते फालतू का। भाई छोला भटूरा पता नहीं आकाश किस दुनिया में गया, आकाश गया जाने दो, गया गया। चलो ठीक है घर पे जाके बात करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7:30, और एक्चुअली जो इससे पहले वाली जितनी भी क्लिप्स देखे वो कल का था, तो हमारा सिर्फ इतना गंदा है ना, इतना गंदा है, मटन लाने के लिए कितना भटके होंगे। अभी कितने दुकान पर गए होंगे एटलीस्ट मटन के लिए? 4-5।
और दो तीन दुकान वाले तो बस यही भैया 10 मिनट पहले आते तो मिल जाता 10 मिनट, क्योंकि ईद थी ना तो उसकी वजह से नहीं मिल रहे थे कहीं, तो मेरा मूड इतना गंदा हो गया था, बहुत क्रेविंग हो रही थी हम लोगों को खाने को और कहीं नहीं मिला, तो इतना बिल्कुल मन अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन तो कल व्लॉग शूट नहीं किया, तो उसी इस आज के व्लॉग को कल वाले व्लॉग में मर्ज कर देते हैं, आज का व्लॉग अभी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आज हमारा एग्जाम भी है तो इसलिए हमारे से इतना सुबह उठ जाती है, सुबह हम लोग उठते नहीं है जनरली, इट्स एग्जाम टाइम डूड। जल्दी से अपना सेटअप वेटअप लगा लेते हैं, लैपटॉप वैपटॉप रख लेते हैं, थोड़ा मुंह वो भी धो लो, फटाफट चो सेटअप कर लेते हैं और एग्जाम दे लेते हैं, फिर आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी घर से बाहर निकलो, थोड़ी थोड़ी एकदम हल्की हल्की बारिश हो रही है, मतलब ना कि इतनी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है इतनी सुबह सुबह, लेकिन कल भी इतनी सुबह उठे थे अपन, गलती से उठ जाते कभी गलती से। चलो ठीक है, अभी कुछ हम लोग मतलब ब्रेकफास्ट के लिए, तो वैसे तो हमारा रोशन भैया लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या ला रहे हैं, क्या ला रहे नूडल्स, हाँ नूडल्स लेके आ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कुछ मतलब देखते बिस्किट वगैरह लेना है, तो मन हो रहा है भूख लग रही, कुछ खाने को मन हो रहा है, तो लेके आते पहले, चलो बाय। 8:01 PM एक व्लॉग में जितना बुरा हो सकता था हो रहा है, मतलब बहुत बुरा हो रहा है, पहले एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम के टाइम पर लाइट कट गया, चलो ठीक है हैंडल किया गया, मोबाइल के पर्सनल डेटा से हम लोगों ने यूज़ करके चलो दे दिया। उसके बाद मैं सोया, उठा पबजी खेल रहा था, पबजी खेलने के खेलते खेलते फिर लाइट कट गया, वाईफाई बंद हो गया, तो वहाँ पे मैं फंस गया, फिर मैंने पर्सनल डेटा यूज़ किया उसमें, उसके बाद डेटा ख़त्म हो गया, फिर अवनीश ने अपना डेटा दिया लेकिन मेरा तब तक बैटरी लो हो गया, मतलब पूरी कायनात मिल के हमारी ले रही है। और अभी लाइट कट गया, हम ऐसे कैंडल ऑन जला के, कुछ नहीं हो सकता कालिया, वो दिख रहा ना इसमें, हाँ चेहरा भी नहीं दिख रहा। अभी ऐसे कैंडल जला करके ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, स्ट्रगल है यार, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, अब इससे ज़्यादा बुरा होगा तो व्लॉग में डालने की हिम्मत नहीं है हमें। बस मनाओ एडिटिंग करने के लिए लैपटॉप बचा रहे, पता चला उभी गया, आज तो उभी गया था। अरे मतलब ये व्लॉग ना मतलब जितना बुरा हो सकता था, मटन नहीं मिला, लाइट चला गया एग्जाम के टाइम पे, गेम खेल रहा है बैटरी लो हो गया, मतलब हद से ज़्यादा बुरा हो रहा है भाई, हद से ज़्यादा। अब ये भी बचा हुआ है, पता नहीं कब तक चलेगा लेकिन चल जाएगा। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, देना अवनीश का भी दे देते हैं आईडी, दिख रहा है ना, रुको एक चीन से दिखा रहे हैं, हाँ ये है अवनीश जी। तो इसका भी आईडी दे देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सबका आईडी का लिंक है, तो जाके पक्का फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम। बट मज़ा आ रहा है सभी व्लॉग करने में से कैंडल वाला।